खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। परीक्षाओं का मौसम है और इस परीक्षा के मौसम में एक फिल्म का ट्रेलर सामने आया है जिसका नाम है सेटर्स। सेटर्स कहानी है जिस तरह से परीक्षाओं में धांधली होती है उसके बारे में, उसे एक्सपोज करती है, उसे उजागर करती है। और इस फिल्म के जो दो कलाकार हैं आफ्ताब शिवदसानी और श्रेयस तलपदे, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज। थैंक यू। देश भर के बच्चे जो हैं परीक्षाओं के मौसम में बहुत टेंशन लेते हैं एग्जाम को लेकर, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो चीटिंग पर भी डिपेंड करते हैं, सेटिंग पर भी डिपेंड करते हैं, और बहुत बदनामी होती है कुछ राज्यों की जैसे कि यूपी और बिहार। आप लोगों की कहानी यूपी में सेट है, तो क्या कुछ आप लोग इस फिल्म के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से इस पूरे जो सेटिंग का जो पूरा मामला है उसे उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं? ये फिल्म सबसे पहले तो कुछ सत्य घटनाओं पर आधारित है, रियल इंसिडेंट्स को हमने दर्शाने की कोशिश की है। और जैसे आपने कहा कि सेटिंग का, एग्जाम के टाइम में सेटिंग का सारा जोर पकड़ लेता है मामला, ये क्या शॉर्टकट है ना, इजी रूट आउट है कि आप थोड़े से पैसे दे दो पेपर मिल जाएगा, आप थोड़े पैसे दे दो किसी और को बिठाया जाएगा वगैरह वगैरह। तो ऑब्वियसली थोड़ी टेम्पटिंग सी चीज़ हो जाती है, कभी कभी तो बच्चों से ज़्यादा उनके माँ बाप के लिए ये हो जाता है कि यार हमारा बच्चा भी ऑफिसर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, फलाना धमकाना। तो बट उसके वजह से कई सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स का नुकसान होता है। बट हम ऑफकोर्स फिल्म में हम कुछ प्रीच करने की या ज्ञान देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये फिल्म है तो वो एंटरटेनिंग होगी और उसे हमने अब थ्रिलर के जॉनर में बेसिकली प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड इट इज़ अबाउट द मोडस ऑपरेंडी ऑफ दीज गाइज कि ये लोग ऑपरेट कैसे करते हैं, ये चीज़ बड़ी फैसिनेटिंग है। जब हमने भी कहानी सुनी और पढ़ी तो पता चला कि अरे बाप रे, ये तो मतलब आप भी शॉक रह गए थे बिल्कुल, कि वाकई में ऐसा करते हैं कि यार पुलिस वाले अगर उनको पकड़ने की कोशिश भी करें तो दूसरा कोई रास्ता अपना लेते हैं, फिर उस कैसे निकल के उसमें से कैसे निकल के जाते हैं वगैरह वगैरह। ये चीज़ें जो ये लोग करते हैं ये थोड़ी सोचने वाली चीज़ें हैं, और ये करते इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हम वीक हो जाते हैं ना उस पॉइंट पर कि चल छोड़ना यार, मैं मतलब रात भर मैं 2 महीने पढ़ूंगा, उससे अच्छा है कि मैं थोड़े से पैसे देके 2 दिन में पेपर ले लूँगा, 2 दिन पहले जो आंसर से देख लूँगा, और वो भी कोई ना कोई मदद आपको कर ही देता है सॉल्व करने में। बट होता ये है कि हम साला अपनी जड़ों को इतना खोखला कर रहे हैं कि यही बच्चे कल जब इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो हम अपने आप को उन पे कैसे सौंपेंगे, क्या कॉन्फिडेंस से सौंपेंगे। जैसे कि श्रेयस ने बताया कि काफ़ी इंसिडेंट उन्हें पता चले जब वो शॉक हो गए, जब वो इंसिडेंट उन्हें पता चले, क्या आपको भी बहुत कुछ नहीं पता था इस फिल्म के जरिए पता चला? एक्चुअली मुझे इस पूरे विषय पर ज़्यादा जानकारी नहीं थी, जब मुझे रोल सुनाया गया और जब मुझे कहानी सुनाई गई तब मैं बहुत शॉक हो गया, और कि ये सारी चीज़ें होती भी है। और इनफैक्ट थैंक्स टू द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर मुझे मौका भी मिला कि कई सारे सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स दिल्ली में, उनके साथ इंटरेक्शन करने को मिला, उन्होंने वन ऑन वन उनसे फर्स्ट हैंड जानकारी, जो क्लासिफाइड जानकारी होती है, उनसे प्राप्त करने, और दैट हेल्प मी टू फॉर्मुलेट माई कैरेक्टर एज अ कॉप एज वेल। लेकिन जिस तरह से वो लोग क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं और कैसे क्रिमिनल्स के माइंड में घुस के उनको पकड़ते हैं, इट्स बेसिकली अ साइकोलॉजिकल गेम, दैट हेल्प मी अलॉट एज अ कैरेक्टर एज एन एक्टर टू फॉर्मुलेट माई कैरेक्टर टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। लेकिन जैसे श्रेयस ने कहा कि जिस तरह से ये ऑपरेट करते हैं, जो मोडस ऑपरेंडी रहता है उनका, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ बियॉन्ड बिलीफ। मतलब किस तरह से इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ साईफाई टेक्निक, किस तरह से ये लोग ड्यूप करते हैं, चीट करते हैं, कैसे मतलब सारे कोड्स तोड़ते हैं, और मतलब ये सारी चीज़ें जो होती हैं, हाउ शॉकिंग एंड हाउ रियलिस्टिक इट इज़, दैट विल बी शोन थ्रू सेटर्स, बट इन अ रियली क्राफ्टी, इन अ रियली थ्रिलिंग काइंड ऑफ अ वे। इसमें आप शायद एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं जो सेटर्स के साथ है, लेकिन आपकी चिंताएं हमने देखी इसके खिलाफ हैं कि ये सब क्या हो रहा है देश में। कितना आसान और कितना मुश्किल था इस तरह का एक किरदार निभाना जिसका नेगेटिव कॉनोटेशन है? नहीं, जब आप किरदार निभाते हो तब तो एज एन एक्टर आप उसके बारे में सोचते हो, एंड एज एन एक्टर आपको लगता रहता है कि यार कुछ ऐसा कैरेक्टर हो जो मेरे पोटेंशियल को, मेरे अंदर के एक्टर को चैलेंज करे, यू नो, स्पेशली समवन लाइक मी एंड आफ्ताब, जो हम इतनी कॉमेडी फिल्में करते रहते हैं कि
बड़ा डिफिकल्ट होता है किसी को ये सोचना कि एक सीरियस फिल्म है और इसमें सीरियस किरदार है या ग्रे शेड्स का किरदार है तो श्रेयस करेगा या कॉप है तो आफ्ताब करेगा। तो सबसे पहले तो शुक्रिया अश्विनी चौधरी जी का जिन्होंने ये सोचा, जिन्होंने हम पे उतना कॉन्फिडेंस दिखाया, उतना फेथ रखा। एंड बिकॉज हम भी तो भूखे ही थे कि ऐसा कोई कहानी आए, ऐसा कोई किरदार आए। सो व्हेन यू डूइंग दैट ऑब्वियसली यू आर थिंकिंग एज एन एक्टर एंड फॉर दैट कैरेक्टर, वो जो कैरेक्टर कर रहा है उसको तो लगता है कि वो सही कर रहा है। तो आपको उस कन्विक्शन के साथ, वो कॉन्फिडेंस के साथ करना होता है कि जब व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा तो बिल्कुल मैं अपने आप को ये मान रहा था कि मैं सेटर हूँ और मैं यही करूँगा और यही सही है। बट ऑफकोर्स जब आप कैमरा बंद होता है तो आप सोचते हो कि यार ये लोग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। ऑब्वियसली पैसा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्वॉल्व इन दिस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो एटीट्यूड ही हमारा चेंज होता जा रहा है ना, और मैं अभी वही बता रहा था कि इतने सारे फैक्टर्स हैं। एक बंदा सीधे रास्ते पे भी चल रहा हो तो उसके घर वाले ही सबसे पहले उसको बोलते हैं कि आप बड़े हरिश्चंद्र बन रहे हो, बाकी सब दुनिया पता नहीं क्या क्या करके आगे बढ़ रही है। और आप सो कल को उनके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे वो बोलेंगे कि पापा आप तो बेवकूफ़ निकले, आपके सारे दोस्त तो पता नहीं क्या क्या करके आगे निकल गए, आप बड़े हरिश्चंद्र बन के वहीं रह गए। हम सब जब पढ़ाई कर रहे होते हैं स्कूल और कॉलेज में तो बहुत टेंशन लेते हैं पढ़ाई को लेकर, एग्जाम को लेकर। कुछ बच्चे जो हैं साल भर पढ़ाई करते हैं, उन्हें टेंशन नहीं होती आखिरी वक्त पर। मैं एक ऐसा स्टूडेंट था कि मैं आखिरी वक्त में बहुत टेंशन लेता था कि एग्जाम करीब आया तब पढ़ने बैठता था और मुझे बहुत टेंशन के मारे और कुछ समझ में नहीं आता था जो कुछ पढ़ता था। आपके क्या हाल थे जब आप पढ़ाई करते थे, आप बहुत टेंशन लेते थे बचपन में, एग्जाम के दौरान क्या हाल होता था आपका? एक्चुअली मेरे से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स हमेशा टेंशन लेते थे मेरे लिए। मैं आपकी तरह था, मैं हमेशा लास्ट मोमेंट में पढ़ाई करता था एंड फॉर्चुनेटली आई वॉज अ फर्स्ट क्लास स्टूडेंट, लेकिन मेरा हमेशा सारा ध्यान जो है वो स्पोर्ट्स के ऊपर चला जाता था, यू नो एकेडमिक्स के अलावा स्पोर्ट्स एंड यू नो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उस पर मैं ज़्यादा ध्यान देता था। और ऑब्वियसली मेरे मम्मी डैडी हमेशा मुझे कोक्स करते थे कि एडवांस में पढ़ो, होमवर्क करो, यू नो प्रिपेयर फॉर द एग्जाम इन एडवांस, लेकिन मुझसे कभी होता नहीं था। आई टू ऑलवेज से कि यू नो मैं लास्ट मिनट में ही करूँगा, आई मीन दैट्स द काइंड ऑफ स्टूडेंट आई वॉज। बट या आई मीन हैट्स ऑफ टू माई पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे इतना फोर्स किया, इतना यू नो कोक्स किया ताकि मैं पढ़ लिख के कुछ बनूँ। बट आज मतलब ऐसे मकाम पर पहुँच गए कि एक्टर होने के बाद भी मतलब मैं एजुकेशन पर स्ट्रेस कर रहा हूँ, विच इज अ ग्रेट थिंग फॉर अस एज वेल। इन्होंने बताया कि ये लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करते थे और बहुत टेंशन लेते थे। आपके क्या हाल थे जब आप बचपन में पढ़ाई करते, किस तरह से पूरा पढ़ाई का प्रोसेस होता था, एग्जाम का प्रोसेस करते थे आप? हम लोग सब लोग ना लगभग वैसे ही थे, मतलब थोड़े बैक बेंचर टाइप के कि बाकी स्कूल में मस्ती कर ली, टाइम पास कर लिया, खेल कूद लिए और उसके बाद में फिर जब एग्जाम आ रही है तो फिर वो कहता है ना कि बैकडेट करते थे कि 15 दिन बचे हैं ना अब शुरू करेंगे, 14 दिन बचे हैं चलो अब शुरू करेंगे। सो वैसे ही होता था एंड देन फिर टेंशन आनी शुरू होती थी। एंड आपका हमेशा एक ऐसा दोस्त होता है जो एग्ज़ाम वाले दिन पे आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो सुबह मिलके वो आपसे कहता है तूने ये पढ़ा के नहीं ये तो पक्का आएगा। टेंशन आ जाती थी यार ये कहाँ से आ गया, वो पता नहीं मेरा एक दोस्त था कहाँ से ये लाता था ढूंढ डांड के वही दोस्त है जो पूरे साल में पढ़ता था ये कहते नहीं पढ़ा होता था वही बताता था कि ये आने वाला है। मतलब मेरे को याद है मेरी एक एग्जाम में बोर्ड की शायद टेंथ की शायद एग्जाम थी तो पहला ही पेपर मैं इंग्लिश का दे के आ गया। और मेरी एक आदत होती थी यू नो कि पेपर हम सॉल्व करके आ गए फिर एवरी क्वेश्चन मैं खुद इमेजिन करता था कि इसके अप्रोक्सीमेट मार्क्स कितने मिलेंगे। मैं हमेशा अपने आपको 75 के अबव ही देता था मैं थोड़ा कंजूस था वो मामले में, मैंने कहा कि इसके तो इतने मिलेंगे। जब मैंने टैली किया तो पता चला 34 हो रहा है, 35 भी नहीं हो रहा, बड़ा कंजर्वेटिव सा। मैंने कहा 34 ही मिल रहे, थर्ड पास भी नहीं हो रहा मैं तो। मैं घर गया एंड आई स्टिल रिमेम्बर, मैं घर गया, मम्मी ने पूछा कैसा रहा, मैंने कहा ठीक ही रहा, अच्छा चल खाना खा लेगा। तो मैंने खाना वाना खा लिया एंड इंडिया पाकिस्तान की मैच थी, मेरे डैड भी घर पे थे मैच, और मैं मैच देखने बैठ गया। अब मम्मी डैडी दोनों शौक थे कि वो कह रहा है भाई कल तेरा पेपर है मैच क्या देख रहा है। तो मैंने कहा नहीं मम्मी मैं तो फेल हो रहा हूँ। तो लाइक किसने कहा, हू टोल्ड यू कि तू फेल हो रहा है? मैंने कहा नहीं मेरे को पता है। तो कैसे? तो मैंने दिखाया पेपर कि देखो इसमें इतने मिलेंगे। तो मम्मी ने कहा कि अच्छा अब तू पेपर भी करेक्ट करने लग गया। तो बड़ी सी यूनिक सी चीज है कि एग्जाम देने से पहले आपने अपने आपको फेल कर, खड़े हो चुपचाप, खड़े हो अंदर आप पढ़, वो फेल होगा पास होगा बाद में देख लेंगे, तू पहले पढ़ कल का पेपर की तैयारी कर। ऐसा कभी हुआ है कि ना चाहते हुए भी टेंशन के मारे आप लोगों ने चीटिंग करने के बारे में सोचा हो, चीटिंग कर ली हो? कुछ लोग एकदम सीरियल ऑफेंडर्स होते हैं कि नहीं वो चीटिंग पे डिपेंड करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत मॉरली अपराइट होते हैं लेकिन वो
मतलब मन को मार के कि नहीं यार पास तो होना ही है और चीटिंग कर लेते? कभी ऐसा कोई चीटिंग की है आप लोगों ने एग्जाम में? नहीं, मैंने तो नहीं की। मैंने हमेशा ये मॉरल था कि मैं पढ़ू या ना पढ़ू, मैं मतलब जब पास होऊंगा मैं अपने बलबूते से पास होऊंगा, मैं किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं किसी से चीट कर लिया और अगर उसके आंसर गलत निकले तो मेरा भी हाल वही होगा जो उसका हाल है। तो मैंने यही 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 रास्ता अपनाया कि मैं अगर उसके आंसर सही हुए तो वो बात बहुत की बात है, वो पता चलेगा वो तो एग्जाम के बाद ही पता चलेगा। तो वैसे कि मतलब मैंने चीटिंग भी की और मतलब फेल भी हो गया, तो ऐसा वो डबल धमाका हो जाता है। लेकिन जोक्स अपार्ट, मैंने हमेशा ये यही रास्ता अपनाया कि आई थिंक आई वुड रादर स्टडी एंड फेल देन ट्राई एंड चीट एंड फेल, ट्राई एंड चीट एंड पास, सॉरी। आपने कभी चीटिंग करने की कोशिश की? कभी नहीं। लाइक ही सेड, यू नो दिस वाज अ वेरी कॉन्शियस चॉइस दैट आई मेड कि यार मुझे चीटिंग नहीं करनी, मुझे कॉपी नहीं करना, जितना मुझे आता है ना मैं उतना करूंगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हेन आई लुक बैक आई शुड फील प्राउड अबाउट माई सेल्फ कि यार बाकी सारे कर रहे थे बंदे, मैंने नहीं किया उस वक्त। आज मैं जो कुछ भी बनाऊं नहीं बनाऊं, जो कुछ हूं मैं अपने बलबूते पे हूं। गोलमाल फ्रेंचाइज जो है बहुत ही पॉपुलर सीरीज है, इसकी अगली जो फिल्म है वो कब आ रही है, कुछ इसके बारे में बता सकते हैं गोलमाल 5 के बारे में? गोलमाल का तो जैसे हमने वो गाने में छोटा सा हिंट दे दिया था और वो भी रोहित की आइडिया थी, हम कुछ और एक्शन करने वाले थे, उसने कहा कि 5 का एक्शन कर दो, देखते लोगों को पता चलता है नहीं चलता। हमने कहा हम कर तो देंगे लेकिन हम कर रहे हैं कि नहीं ये तो बता दें। तो ही सेड कि नहीं, ऑफकोर्स वी वॉन्ट टू डू इट, सो ऑल ऑफ अस वॉन्ट टू डू इट, ऑल ऑफ अस अवेलेबल। शुरू होगी कब रिलीज, कुछ अंदाजा? वी आर होपिंग कि हम अगले साल शूट शुरू कर सके। आई थिंक रोहित इज स्टिल वर्किंग ऑन द स्टोरी और रोहित की आदत है कि जब तक वो पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता वो कुछ किसी को कुछ नहीं बताता, एक्टर्स को भी कुछ नहीं बताता। सो आई गेस व्हेनेवर ही इज रेडी ही लेट अस नो, और हमसे पहले तो आपको पता चल जाएगा कि वो रेडी है। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई।